अस्सलाम वालेकुम जी। आज है दिन सोमवार का, 6 अप्रैल है और करंटीना का आज तीसरा हफ्ता है। तो घर बैठे बैठे बोर हो गए, बस करने को कुछ नहीं, सो जाओ, उठो, वीडियो देखो, खाना बनाओ, सो जाओ, ये काम है। इसलिए कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। और आज वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है कि आज एक साथ खाना भी बनाएंगे, चने बनाएंगे। चने मैंने भिगो के रख दिए हुए हैं। और अभी जो है ना भाई, मैंने एक तो सामान के लिए जाना है, एक दो चीज़ लेनी है और थोड़ी सी वॉक के लिए भी चलते हैं। और उससे पहले जो है ना, इधर आपको दिखाता हूँ, ये जी चने तो मैंने भिगो के रख दिए हुए हैं, तकरीबन 6-7 घंटे हो गए हैं इसे चने भिगो के रख दिए हुए सारा। अभी इस तरह करना है कि ये मैंने गार्बेज फेंकना नीचे, और इसके बाद धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है बाहर, ये देखें। अभी नीचे चलते हैं थोड़ी देर में, उस ट्रैक पे जाके करते हैं वॉक थोड़ी सी, उसके बाद जो है ना एक शॉप पे जाना है, तो इंशाल्लाह जो है ना बाहर मुलाकात होती है। कूड़ा शूड़ा तो हो गए थे पैक, चलो चलिए। अभी जो है साढ़े कूड़े से भी ताले लगे ने, चेक करो। गार्बेज डन, चलिए जी, चलो जी। मौसम बहुत प्यारा है, अभी दिखाता हूँ आपको। अभी थोड़ा सा मौसम और ठीक होगा ना, जरा धूप छूप लगेगी। इतने गोरे पे होने अज लाशा ग्रां, गोरों की लाइफ चेक करें जी। वो प्याज करंटीना तो वो प्याज करोना, सानू कोई चीज़ नहीं फटती। ये समर में एक कश्ती पे बोर्ड राइड पे चलेंगे यार, बंदा वो पुल पे ना चले। ये साइड तो पहले देखी थी ये वाली, तो चलते हैं इस साइड पे, चलते हैं ब्रिज पे जाके खड़े होते हैं। ये जी हमारे वाली बिल्डिंग, सबसे मजे वाला माहौल। ये घर के नज़ारे जो है ना, कमाल नज़ारे हैं। ये भी तकरीबन जो है ना पाकिस्तानी 6-7 करोड़ का घर है, ये एक दो दो कमरे वाला होगा।
वीडियो बनाने में बड़ा जो है ना मुश्किल आती है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ इधर। दोस्त हैं एक दो थे पहले, वो मूव हो गए हैं किसी जगह पे, और अभी मैं अकेला ही हूँ इस जगह पे, इसलिए ज़ाहिर है वीडियो बनाना फिर बड़ा मुश्किल काम है ये। जब कभी फ्री में हो, मूड हो, बस बना लिया, ना हुआ तो बस ना बनाया। अगले महीने में थोड़ा और मौसम ठीक हो जाएगा तो ये परफेक्ट जगह है फिशिंग के लिए। इधर पानी का लेवल भी ठीक ही है। लास्ट टाइम मैंने इस जगह पे ट्राई की थी पुल के नीचे, और मैकरेल फिश थी वो पकड़ी थी 4। उसके बाद देखेंगे इस सीज़न में क्या होता है। आगे भी एक जगह है दूसरी साइड पे, उधर भी चलेंगे फिशिंग के लिए। अभी जो है ना ये आगे ट्रैक कंटिन्यू करता, लेकिन हमने ऊपर जाना है। ये है जी टनल, क्योंकि ये मेन हाईवे है इनका, और ये जो है इधर से गाड़ियां जो है ना, ये स्तवांगर एक शहर है इधर जिधर मैं पहले था, ये गाड़ियां आती हैं। ये ओस्लो का हाईवे है, इधर ओस्लो के लिए सड़क निकलती है। वो देखें दूसरी साइड पे जो घर है ना, बड़े अलग किस्म के घर हैं वो। नासुक हो रहा, इन लोगों की मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, बर्फ़ हो, बारिश हो, जो मर्ज़ी हो, इन्होंने रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, इसलिए इधर लाइफ जो है ना तकरीबन ये कंसीडर करते हैं कि बंदा 80 प्लस जो है ना एवरेज लाइफ है इधर लोगों की, और पाकिस्तान में 60 प्लस है, 63 और समथिंग अलाइक। तो इधर देखें बंदा बूढ़ा भी होगा फिर भी कोई ना कोई एक्टिविटी उसकी जो है ना वो रहती रहती है। अगर मैं इधर 10 घंटे भी खड़ा हो जाऊँ ना तो मुझे हॉर्न की आवाज़ नहीं आएगी। ये लोग इस तरह का जो है ना इनका वो सिस्टम है, विदाउट हॉर्न ही करेंगे ये सारा कुछ। अगला डिपर भी देंगे तो अगला समझ जाएगा कि भाई मेरी गलती है, मैं पीछे हो जाऊं। हर बंदा अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लेन में चला रहा गाड़ी। ये है जी, बड़ा फिट मौसम है आज। ये जो रेड बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इनकी वो फायर डिपार्टमेंट है, जिसे नॉर्वेजियन में बरान कहते हैं, ये वो डिपार्टमेंट है इधर। ये बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, ताकि कहीं पे भी जो है ना अल्लाह ना करे कोई आग शाग लगे तो सिटी के सेंटर से रिस्पॉन्स करते हैं बहुत जल्दी, ताकि हर जगह पे पहुंचने में आसानी हो। माई आ रही है, चेक करो। नहीं माई नहीं है, हाँ माई है। अभी उम्र चेक करो, कैसा क्या सही है? साड़िया इन्नी उम्र दियाँ माइया पईया होंदिया ने, परौठे पका दे ते मैनू ए करा दे, मैनू ए करा दे। ये है टेलीनॉर का ऑफिस, क्रिश्चियन सन ब्रांच तक। ये जो
रडार सिस्टम है इनका, बूम पैंगर कहते हैं जिसे, पैसे काटने वाले टैक्स, टूल प्लाजा जिसे है वो है। ये है जी बस स्टेशन इधर के। इधर मेरे ख्याल से मैंने बहुत कम रूट पे बसें देखी आती। किसी दिन जो है ना उस साइड पे भी जाएंगे, उस साइड पे मेरी यूनिवर्सिटी है, उस साइड पे भी जाएंगे किसी दिन। आजकल तो यूनिवर्सिटी बंद है इसी कोरोना की वजह से, इसलिए जो है ना अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन जाएंगे किसी दिन। ये बड़ा मौसम ज़बरदस्त होता है ये जो है ना, थोड़ा सा एक महीने बाद इधर सारे फूल लगे होंगे ये वाले। अब देखो माई बुड्ढे की उम्र चेक करो तो दसो फिर कितनी होनी है, कमेंट दे विच लिखो। हाय हाय, जैसा ये सिस्टम है कि ये लोग बड़े जोली तरह से मिलते हैं, बड़े प्यार से, इनको जो मर्जी हो हंस के मिलेंगे आपको। जाते जाते आए तो उन्होंने कहने कहना होता है, इसलिए जो भी कोई बंदा मिलता है तो उसे जो है ना लाजमी ये कुछ ना कुछ हाय शाय ये वो करना है।